इसलिए सालों मेरा कहना है, अरे मेरे जैसे भी दौलत, मेरे जैसे भी दौलत लाओ लूट कर पिलो, करे सामना जिसका पता। अरे प्रभु ने हाथ को भेजा है ऐसा आराम करने को, अरे चाह की लूट कर दौलत कर। इसलिए मेरे बहादुर साथियों, अरे प्रियम मदिरा कटे आनंद से जीवन सफल होकर राव तेरे के सब साथी खुशी होकर, समंदर में बलाओं का जल शैतान हूं मैं। समंदर में बलाओं का जल शैतान हूं मैं, कायक कर दे जो सपीला मौत। मौत का तूफान हूं मैं, इसलिए सालो हराम जानो, आज के बाद तुम्हें सब कुछ कर रहे। तुम सबको मालूम है कि आज मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं, इसलिए कुंदन सिंह बोलिए सरदार मुझे शराब पिलाओ। शराब पिलाओ, उसके बाद मुझे करना क्या सब बताऊंगा। अरे ला पेरे, अरे हाथों में दे, अरे रंगीली बोतल। ला पेरे हाथों में दे, अरे पहले लग जा ले दे फिर बातें करना। जा कुलदर सिंह शराब लगा। ठीक है सरदार, मैं जाता हूं और शराब लेकर तुरंत आता हूं। हाँ। जा रहा हूं। और बहादुर सिंह और शेरा सिंह, कहिए सरदार जी, मेरे बैठने का इंतजाम करो। ठीक है सरदार जी। सरदार जी ये लो आ गई शराब आपकी। अबे कुंदन सिंह जी, इस शराब का पैक बनाओ। ठीक है सरदार जी, मैं भी पीऊंगा और तुम सबको पिलाऊंगा। जाओ पैक बनाओ। ठीक है कालिया, अबे कालिया, एक बार का कहना मान लिया कर, सुनता नहीं है। बोलिए भाई दोस्त क्या बात है। ले इसकी पैक बना, आज हम लोग शराब पियेंगे। इतनी दूर से आ रहा हूं, मेरे शरीर में सारी थकान है, आज शराब पी करके थोड़ा सा आराम करूंगा
उसके बाद पे देखो गाइस, श्रीनगर का बहुत मशहूर सेठ रोकड़चंद बहुत पैसे वाला है, इसके यहाँ डकैती डालूंगा डकैती डालूंगा। अबे कालिया बन गई तेरी पायक, तो लाओ सरदार जी को हम देते हैं। अबे कंदन सिंह बहुत कम है यार, थोड़ी सी और डालो इसमें तो ज्यादा मजा आएगा। सरदार जी लो एक कंदन सिंह अगर इस शराब के साथ कोई सभा में जाए तो शराब का नशा कोई दूसरा ही होता है। बिल्कुल सरदार जी इसलिए सबाब का इंतजाम करो, कोई अच्छी सी नाचने वाली कोई सवार है। सरदार जी जो चीज आपको चाहिए कुंदन सिंह देने के लिए तैयार है, अभी लाता हूँ सरदार जी। लेकर क्या सरदार जी, ये देखो मैं लेकर आ गया हूँ। एक नसीब इस छाई हुई बदली में, इस छाई हुई बदली में चांद कहाँ से निकाल लाए रे कुंदन सिंह। अबे हमारे सिंगल घाटी में आजाद की हट्टी पे अपना ऐसा गीत प्रस्तुत करो कि मेरी सारी थकान दूर हो जाए और अपना मुंह मांगा इनाम दे जाओ। हेलो, ये गुमनाम की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार, लेकिन भाई साहब का कहना है सरदार जी आपको ऐसे नहीं मजा आता है तो रशियन शराब मंगा दीजिए पार्टी को। फिर अलग अलग धन्यवाद। दिल लेके दिल दिया है, दिल लेके दिल दिया है, एहसान क्या किया है, दिल लेके दिल दिया है, एहसान क्या किया। I'm
तुम्हारे साथ सब कुछ मिला मनसाराम पान भंडार, मनसाराम पान भंडार, ये भाई साहब 10-10 रुपया सब कलाकारों के लिए हाथों हाथ इस फसल पार्टी को से धन्यवाद। हेलो हेलो हुजूर, ये गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के, ये छुरिया चल जाए मेरी मतवाली जात पे, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली जात पे।
और ये हमारे श्रीमान सुरेश ठेकेदार, ये सुरेश ठेकेदार समेसी, उनकी तरफ से देखिए 11 रुपए आए हुए हैं और पहले भी आए थे। कहना है जलवे फिर देख बारी, ए मनाओ धनिया वाले कहाँ जाता हो, जलवे फिर देख बारी मेरी भी चाल के, जलवे फिर देख बारी मेरी भी चाल के, चुनरी बन जाए, चुनरी बन जाए तेरी मेरे रूमाल के, चुनरी बन जाए। तेरी दर तेरी दर तेरी दर तेरी दर सुरेश ठेकेदार समेसी की तरफ से, उनकी तरफ से 11 रुपए आए हुए, शुक्रिया। तुमने मेरी सारी थकान को दूर कर दी। तो अब तुम जाना चाहती हो? हाँ। अब और एक कालिया जल साले, अपने खजाने से जितना ही रकम मांगे सारी रकम दे दो, और इसे जिस स्थान से लेकर कुंदन सिंह आया है उसी स्थान पे इसे सही सलामत भेज दो। जाओ। अच्छा हुजूर, मैं चलती हूँ। आदा ले जाओ। सुनो सभी, चले गए तुम सभी पहरे पर जाओ। मजा आ गया। मजा तो आ गया, लेकिन मेरी बात सुनो। तुम सभी पहरे पर जाओ, मुझे थोड़ा सा आराम करना है। आराम करने के बाद मैं खुद बताऊंगा मुझे करना क्या है। जाओ। जो आ गया सरदार जी, हम लोग जा रहे हैं।
मैं थोड़ा शराब करूंगा, उसके बाद आराम करने के बाद मुझे सिर्फ सेठ रोकर चंद ही नजर आता है। सिर्फ रोकर चंद के आ जाऊंगा। पहले थोड़ा सा आराम करूंगा क्योंकि बहुत धूप से आ रहा है। महाराज अजय सिंह की पुत्री शारदा हूं। क्या शारदा, मेरे सिर से लग जाओ मेरी जान, मैं तुझे अपनी राजरानी बनाऊंगा। कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं, मैं तुम जैसे डाकुओं से प्रेम नहीं करूंगी। क्या जली गांव को जा रही हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आती? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे कहाँ जा रही हो एक बार मेरे, कहाँ जा रही हो? ये क्या, ये क्या कोच राजकुमारी? कोच रही, कोच रही, धोखा फरेब चालबाजी। एक छोटी सी रियासत की राजकुमारी और ये अभिमान कि तुम जैसे डाकू से प्रेम नहीं करोगी। सरदार जी, क्या आपने सपना देखा था? नहीं, नहीं, सपना नहीं था, एक जागृत दशा थी। वो एक छोटी सी रियासत की राजकुमारी मेरे पास आई। पहले तो उसने प्रेम प्रकट करना चाहा, उसके बाद मुझसे ये कहकर भाग गई कि तुम जैसे डाकू से प्रेम नहीं करोगी। भाग गई? अरे गालिया। क्या बात सरदार, क्या मुझसे वो रक्षा कर सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं। अरे लग चुकी है प्रेम की बाजी, लग चुकी है प्रेम की बाजी सारे मैदान में, वो पते की चाल में। और बोल देखता हूँ कौन पाता है विजय की भेंट। अरे देख
बेटा कौन पाता है तुझे की भेंट, पड़ा है सामना छोटे बड़े। जी आप किससे बातें कर रहे हैं? मैं अभी मैंने देखा एक छोटी सी रियासत की राजकुमारी जिसका नाम शारदा है, वो मेरे पास आई। पहले तो उसने प्रेम प्रकट करना चाहा, उसके बाद वो मुझसे दूर भागने लगी। जब मैंने उसे पकड़ना चाहा तो ये कहकर चली गई कि तुम जैसे डाकू से प्रेम नहीं करोगी। क्या कहा? तुम जैसे डाकू से प्रेम नहीं करेगी?